यदि आप इस लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार, इंग्लिश घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो कॉलिंग के दौरान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, जिससे आपका कोई भी डिटेल्स किसी के पास नहीं जा सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए कुछ किताबें, मेरे पास हैं 10 किताबें, और एक मोबाइल, एक एयरफोन, एक डंडा इस प्रकार की, जो कि मेरे पास बांस का है। बांस को अंग्रेजी में बैम्बू भी कहते हैं। या फिर यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पुराना पंखा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। एक रबर, ये रबर अक्सर सभी घरों में पाया जाता है, इसे महिलाएं लोग अपने बालों में लगाती हैं, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। बस हमें इतना ही सामान चाहिए ऑनलाइन पढ़ने या पढ़ाने के लिए, जो कि सभी के घरों में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सीखते हैं। हमारे पास दो हैं, बांस का डंडा और पंखा, मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, बांस का डंडा का। फिर मोबाइल, डंडा, मोबाइल और ये रबर को लेकर इस प्रकार से हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये बनके रेडी हो गया है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा कैसे पढ़े और पढ़ाएं। तो चलिए अब हमें इसे इस प्रकार से रखना है और उसके बाद एक किताब को लेकर हमें इस प्रकार से रख देना है। एक या दो बुक आप इसके ऊपर रख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप दो बुक रख दीजिएगा इसके ऊपर तो बेटर रहेगा। यदि आप एयरफोन लगाना चाहते हैं तो इसमें एयरफोन लगा दीजिएगा इस प्रकार से। इसके बाद आपको वीडियो कॉल करना होगा जिससे आप पढ़ना चाहते हैं या जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं उसे कीजिएगा। उसके बाद कॉल लगने के बाद आप एयरफोन को कान में लगा लीजिएगा और जो भी कुछ आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसे कि मैथ बता सकते हैं, गुणा भाग, जो भी हो। आप इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं और आगे में उसका चेहरा देख सकते हैं। अपने मोबाइल के कैमरे के नीचे कॉपी या किताब को रखकर पढ़ या पढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। चेहरा दिखाइए अपना। ठीक है, कॉपी दिखाइए, कॉपी। जो हिसाब समझाया वो समझ में आया ना? ठीक है, इस प्रकार से आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं अपने टीचर से। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।